नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों का भी नाम शामिल है। वही उम्मीदवारों की सूची को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सायराना अंदाज में कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बता दें कि बीजेपी ने जिन 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, उनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया। इससे पहले बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि 18 सालों में मध्य प्रदेश को बीजेपी की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। इसलिए 15 दिन पहले अमित शाह और कल पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवराज जी के नाम और काम से किनारा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये बात शिवराज सिंह के मन को बहुत सताती थी। वहीं दूसरी ओर माधव राव सिंधिया ने अपनी लोकसभा की हार और अपने क्षेत्र में लगातार स्थानीय निकाय चुनाव की हार से भी हताश थे। बस दोनों नेताओं ने सोचा और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का मन बनाया। केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज और महाराज ने बताया कि मध्य प्रदेश में जीड़ सीड़ हो चुकी सत्ता की डूबती नाव की पतवार को अब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलदस्ते, कैलाश विजय वर्गीय और राकेश सिंह की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मगर असल में शिवराज और महाराज की मंशा है, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम की है। ये साफ है कि इस बात को कैलाश विजय वर्गी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि हमको टिकट देकर केंद्रीय नेतृत्व ने चौंका दिया है। इन टिकटों की घोषणा के बाद महाराज और शिवराज कह रहे हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब हमारी सत्ता तो जा ही रही है, मगर हमारे साथ साथ इन नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का भय बीजेपी को कैसे सताता है, ये साफ है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कमलनाथ के व्यक्तित्व का खौफ देखे, मध्य प्रदेश की बहादुर जनता का आक्रोश देखे, एक मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, मगर फिर भी सत्ता नहीं बच पाएगी। बढ़ाई हाथ पहले मध्य प्रदेश, फिर पूरा देश में आ रही कांग्रेस। वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को मध्य प्रदेश में 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, यानी उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसलों की आलोचना करते हुए आगे कहा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। RSS की एक शाखा में कुछ तो है जहां जहां ऐसे नमूने आते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की महिला विरोधी बताने पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी की ओर से लाया गया महिला आरक्षण बिल लोकसभा में राज्यसभा से इसलिए पास नहीं हो पाया था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, राम जेठमलानी जैसे बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ वोट नहीं किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे हो गई है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो झूठ ही होगा। जैसे प्रधानमंत्री बचपन में शाखा जाते थे, तब इंदिरा गांधी ने देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वहीं पवन खेड़ा ने आगे कहा कि फिल्म अभिनेत्रियों को नई संसद में बुलाया गया, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। ये लोग ब्रजभूषण को निकाल नहीं पाए और महिला अधिकारियों की बात करते हैं। वहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी बता दें कि बीजेपी की किसी सरकार ने 5 सालों में 250 कॉलेज खोले हैं। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि जिस अजित पवार को जेल भेजने की बात करते थे, अब उनके साथ बैठकर बजट बनाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची पर पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव से पहले ही नतीजे जाहिर हो गए हैं। वही हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक जहां जहां नरेंद्र मोदी के पैर पड़े वहां कांग्रेस की जीत हुई। इसलिए हम नरेंद्र मोदी को अपना स्टार मानते हैं। अगर वो थोड़ा सच बोलना शुरू कर दे तो हम सबसे अच्छे स्टार प्रचारक बन सकते हैं। तो ऐसे ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहे इंडिया 24x7 लाइव टीवी।